दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पठान मूवी जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों पठान मूवी रिलीज होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि चैनल से जुड़ी ऐसा ही फटाफट खबरें आपको मिलती रहें। बता दें कि हिंदू संगठन के बाद अब मुस्लिम बोर्ड भी आया पठान फिल्म के विरोध। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म पठान का पहला गाना जो कि बेशरम रंग रिलीज होते ही जो कि काफी ज्यादा दोस्तों विवादों में देखने को मिला है। और गाने में दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है और जिसमें रंग को लेकर बीजेपी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही, वही फिल्म पठान और शाहरुख खान सहित दीपिका पादुकोण के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के नाम पर FIR तक दर्ज हो गई है। और लेकिन अब मुस्लिम बोर्ड भी शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ आ गया है और बोर्ड ने फिल्म को पठान बंद करने की मांग दी है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने फिल्म पठान और उसके बेशरम रंग गाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और मांग की है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में बिल्कुल ही प्रदर्शित ना की जाए। और बोर्ड के प्रमुख सैयद अनस अली ने कहा है कि पठान एक उच्च सामान्य समुदाय थे और फिल्म इस्लाम का अपमान करती है, और बोर्ड ने फिल्म पठान का बहिष्कार करने की मांग की है। और सैयद अनस अली ने कहा है कि अश्लीलता को लेकर फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से रोका जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जो कि पठान मूवी में एक गाना था जो कि जिसको लेकर दोस्तों दीपिका पादुकोण ने उस गाने में जो ड्रेस पहनी हुई थी वो जो कि दोस्तों भगवा रंग से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी, जिसके चलते दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये मूवी को लेकर जो है यहाँ पर लोगों ने जो है विरोध किया इसका, और जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ट्रोल भी किया। तो यही दोस्तों खबर थी, और ऐसे ही खबर पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और ऐसे ही खबर फटाफट आपको हमारे चैनल के जरिए मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो में।